सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन अनबाउंड की इस नई सीरीज़ में। और भाई लोग, कहाँ से हम लोग पोकेमोन अनबाउंड शुरू करने वाले। और भाई, कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी लोग ने बोला भाई कि पोकेमोन अनबाउंड खेलो भाई, बहुत ही बढ़िया गेम है। तो फाइनली गाइस, आज हम लोग भाई पोकेमोन अनबाउंड की अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि भाई आप लोग का इसके ऊपर एकदम धमाकेदार सपोर्ट आएगा। तो भाई लोग, सपोर्ट करने के लिए सभी लोग हो जाओ तैयार। हम लोग आज से शुरू करने वाले पोकेमोन अनबाउंड। और भाई लोग, इसके अंदर स्टार्टर्स कौन से मिलेंगे यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और हाँ, एक मेन बात मेरे को बताने दो। वुड यू लाइक टू स्किप सर्टेन कटसीन ड्यूरिंग गेम प्ले? कुछ कटसीन को मैं क्या मतलब स्किप करना चाहूँगा। तो देखो, अगर मैं कोई भी सीन को कट कर दूँगा तो कुछ मिस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी मिस हो भाई, मैं एक गेम का मतलब पूरा मज़ा उठाना चाहता हूँ, थोड़ा भी कुछ कटपुट नहीं करना चाहता। ओके, तो यहाँ पर मैं नो करने वाला हूँ, ये आपके ऊपर भाई, आप लोग येस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो दिस ऑप्शन में भी चेंज एट एनी पॉइंट यूजिंग द ऑप्शन मेन्यू। ओके, तो इसको जो हम लोग भाई कभी भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शन मेन्यू को यूज़ करके। ओके, काफ़ी बढ़िया बात है भाई, हमारा मन जब भी बदल सकता है, हम लोग मतलब चाहे जब कर सकते भाई अपनी मर्जी है, ये काफ़ी सही वाली चीज़ है भाई। और हाँ भाई लोग, एक और बात, अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है सो आज 1 बजे मैं अपने सेकेंड चैनल पर भाई हाउ टू डाउनलोड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग जाके मेरे सेकेंड चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, 1 बजे वीडियो आएगी। और हाँ, जो लोग भाई 1 बजे के बाद ही वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ भाई, आपको मैं डायरेक्ट नीचे हाउ टू डाउनलोड लिंक जो वीडियो है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अगर आप लोग 1 बजे की बात देख रहे हो तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन खोल लो। और जो लोग भाई अभी देख रहे हैं मतलब 1 बजे से पहले, उनको मैं बोल दूँगा भाई आप लोग सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, मेरे सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे को प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर भी। और अभी भाई गेम के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी सभी मेन बात हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म, अब गेम के ऊपर फोकस करते हैं। लॉन्ग अगो, काफ़ी दिनों पहले, द बोरिस रीजन वॉज इनफिल्ड बाई ग्रेट वॉर विद द कालूस रीजन। ओके, काफ़ी ख़तरनाक फाइट हुई थी, इट वॉज अ ब्रूटल वॉर, वन विच लास्टेड मेनी ईयर्स, ड्यूरिंग दैट टाइम कालूस मैनेज टू सीसाइज द अपर हैंड। ओके, मतलब कालूस जीता था ऐसा मेरे को लग रहा है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफीट द बोरियन किंग सेमोन अ डार्क फोर्स टू हेल्प टर्न द टाइड्स ऑफ बैटल। ओके, यहाँ पे पोकेमोन से भाई, मैग्मार वर्सेस मैग्मार, और ये एग्रॉन, इलेक्टिवायर, ड्रैपियन, सेलेमेंस वर्सेस स्टीलिक्स, भाई बैटल चालू है, करो करो भाई बैटल करो, मेरे को क्या है। ओके भाई, यहाँ पे द कैलोसियंस आर्मी एडवांटेज वॉज लॉस्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, हैज सून हैज इट एंटर्ड द बैटल फील्ड द डार्क फोर्स यूज्ड इट पावर्स टू क्रिएट पोर्टल्स एंड ट्रांसपोर्ट द इन्वेडिंग आर्मी बैक टू कालूस। ओके, यहाँ पे पोर्टल्स खुल रहे जो कि कालूस की जो मतलब आर्मी थी, जो पोकेमोन्स थे, उनको वापस से कालूस में पहुँचाने के लिए। विद द फॉरेन आर्मी गॉन द वॉर सीम्ड एट एन एंड फॉर बोरिस, हाउएवर देयर किंग ओवरकम बाय हिज लस्ट फॉर पावर सेंड द बोरियन आर्मी थ्रू द पोर्टल्स एज वेल। ओ भाई भाई, मतलब ये क्या बात हुई भाई, बैटल रुक गया तो काय को वापस बढ़ा रहे हो यार, ये पागल वाली हरकत है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द वॉर कंटिन्यू टू रेज इन कैलूस फॉर सेवरल ईयर्स। देखो, अगर लड़ाई झगड़े रुक रहे तो भाई रोक दो, करके कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, तुम उसका टकला फोड़ोगे वो तुम्हारा टकला फोड़ेगा, तुम उसकी हड्डी पसली तोड़ोगे वो तुम्हारा तोड़ेगा, भाई क्या फ़ायदा है भाई, इससे अच्छा लड़ाई मत करो यार। ओके, तो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है भाई, तुम उसका टकला फोड़ो वो तुम्हारा टकला फोड़ेगा, ये सब भाई एकदम बेकार बात है। मेनी मोर मैन एंड पोकेमोन वेयर कंस्क्रिप्टेड टू फाइट एंड Inevitably met their end on the battlefield. One such Pokemon having been a dear friend of the Kalosian king. Okay, क्या सीन है भाई? Overcome with grief, the king built a device to restore its life, granting himself immortality in the processes. भाई एक डिवाइस बनाया जिससे वो मतलब भाई वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। वाह भाई वाह, इसको बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी भाई, क्या बात है भाई, क्या ही खतरनाक डिवाइस बनाया भाई। But this traumatic इवेंट लेफ्ट हिम स्कैड एंड फील्ड विद एंजर, अनेबल टू फॉरगिव द वर्ल्ड डैट हैड हर्ट हिज प्रीसियस पोकेमोन, ही टर्न हिज मशीन इंटू अ जायंट वेपन, द अल्टीमेट वेपन। भाई उसने अपने मशीन को एक खतरनाक वेपन में कन्वर्ट कर दिया। ओके भाई, द किंग बिकेम अ ब्रिंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन डैट एंडेड द वॉर। ओके भाई, उसने वॉर को ख़त्म कर दिया और बहुत मतलब एक खतरनाक बन चुका है वो। और अभी क्या सीन है भाई? With the war over, what little remained of the Borean army returned home. The king's Pokemon left him and the battlefield became silent. Okay, भाई लोग, तो यहाँ पे फाइनली बैटल हो चुकी है ख़त्म, मतलब कि जो वॉर चल रहा था वो वॉर हो चुका है ख़त्म।
येट पीस वॉज स्टिल टू कम, वहाँ भाई पीस अभी आना बाकी है, वॉट एंड रेस्ट ओवर द फ्रूटलेस वॉर फॉट सर्वाइवर्स ऑफ द वॉर विश्ड फॉर एम्पली कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द बोरियन किंग। बोरियन किंग को ने हुप्पा अनबाउंड किया भाई, हुप्पा अनबाउंड यहाँ पे हैं। वेन ही हैड नथिंग टू ऑफर दैम दे बिगेन टू मैनिपुलेट द डार्क फोर्स टू अटैक द बोरियन किंगडम इन एन अटेम्प्टेड कप। भाई तो हुप्पा अनबाउंड और ये कुछ कर रहे हैं भाई, आग लगा दिया इसने चारों तरफ। इन एन एफर्ट टू स्टॉप द मैडनेस द बोरियन किंग गैदर्ड द लेजेंडरी पोकेमोन, लेजेंडरी पोकेमोन ओके। भाई ये बोरियन किंग है क्या, हुप्पा अनबाउंड भाई बोरियन किंग है भाई। जैपडॉस मॉल्ट्रेस आर्टिकोनो यहाँ पे आ चुके हैं। यूजिंग द पावर ऑफ थ्री बर्ड्स कंबाइंड विद द प्लेट्स ऑफ आरसीएस द पोकेमोन दैट सेव्ड द यूनिवर्स अ प्राइसन वॉज क्रिएटेड फॉर द डार्क फोर्स सीलिंग इट्स पावर। मतलब जो बोरियन का किंग है वो हुप्पा अनबाउंड है और यहाँ पे हुप्पा भी है भाई। इट बिकेम अ शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ ओके, हुप्पा बन चुका है अभी ये। स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स पावर इट वॉज टेकन इन बाय द किंग एंड सुपरवाइज बाय हिज प्रोजेनी अनटिल वन फेथफुल डे। क्या सीन है भाई, 16 ईयर्स अगो मतलब 16 साल के बाद लड़ाई झगड़ा मतलब 16 साल के बाद भाई, वाह काफ़ी दिन बाद। आर सी एस आई फियर माई टाइम्स ऑलमोस्ट अप, भाई यहाँ पे आर सी एस इज द गॉड आर सी एस दिस पोकेमोन। इफ दिस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गोज साउथ इट विल फॉल राइट इन टू हीज हैंड्स। आई टोल्ड हिम यूजिंग इट्स पावर इज डेंजरस बट विदाउट माई गाइडेंस आई वरी डैट ही विल सेटल ऑन इट्स हैज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर अचीविंग हिज गोल एंड दैट्स वाई आई नीड टू डू दिस। भाई इसने फेंक दिया भाई, इट्स गॉन भाई, ये क्या बात हुई भाई, पोकेमोन मतलब तूने पोकेमोन को समुंदर के अंदर फेंक दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू आरसीएस, देयर इज नो पॉइंट इन यू स्टिकिंग अराउंड एनी लॉन्गर, जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग प्लीज वॉच ओवर माई चाइल्ड ओके। इसके बच्चों का ख्याल रखना आरसीएस ओके। भाई आरसीएस जा रहे भाई, ओ भाई 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 आरसीएस क्या ही दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके। अब ये क्या करेगा, ओ ये भी गया भाई उड़ के कहीं पे तो गया, कहाँ गया एल्सवेयर ओके। ये क्या सीन है भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम, टहल रहे हो भाई बीच के पास। हाउ कैन आई फुलफिल ग्रैम्पीज विश इफ आई कांट इवन कैच ए सिंगल पोकेमोन, सही बात है ओके। आई प्रोमिस्ड हिम आई डिड फिनिश इट बट एट दिस पॉइंट आई डोंट सी हाउ डैट विल इवन बी पॉसिबल। भाई तेरे पास तू एक पोकेमोन नहीं पकड़ सकता यार, प्लीज़ आरसीएस भाई, मतलब छोटी छोटी बातों पे भाई भगवान से मदद मांगना ये भाई एकदम बेकार चीज़ है। थोड़ा भाई अपना एफर्ट्स दे, फिर नहीं होता है फिर भाई भगवान से मदद मांगो वो चलता है, बट डायरेक्टली यार नहीं हो रहा भगवान जी मदद कर दो ऐसा थोड़ी ना होता यार। इफ़ यू आर रियल गिव मी अ साइन डैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। क्या साइन मिलेगा भाई इसको, क्या साइन मिलेगा भाई मेरे को भी देखना। ये क्या, एक पोकी बॉल, अ पोकी बॉल हियर नाउ, आरसीएस इज रियल आफ्टर ऑल, एक हुप्पा, हुप्पा अनबाउंड की हुप्पा है दिस पोकेमोन, हुप्पा अनबाउंड है ना, हुप्पा है हुप्पा हुप्पा। इट अपीयर्स ग्रैम्पी डैट देयर मे बी अ वे आफ्टर ऑल, इट्स टाइम फॉर द एटर्नल फ्लावर टू ब्लूम वंस मोर ओके। ये क्या भाई, हुप्पा और उसके पीछे कौन है, एक विलन है क्या, मे बी विलन जैसा दिख रहा। ओ ये क्या भाई, पूरी टीम आ चुकी है यहाँ पे, यहाँ से भी भाई। ये क्या भाई, हुप्पा फंस चुका है और ये भाई हुप्पा अनबाउंड बन गया, वाह पोकेमोन अनबाउंड ओके। पोकेमोन अनबाउंड अपना गेम है भाई, और अब क्या होगा यहाँ पे, वेलकम टू पोकेमोन अनबाउंड, बिफोर यू बिगिन प्लेइंग प्लीज़ बी अवेयर दैट दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट फैन मेड फैन गेम, इफ़ यू पेड फॉर दिस गेम रिक्लेम योर मनी इमिडिएटली। हाँ भाई लोग ये गेम देखो एक फ्री है, फ्री फैन मेड गेम है, अगर आपसे कोई इसके पैसे मांगे तो पैसे मत देना भाई, लात मार के भगा देना ओके। एडिशनली इफ़ यू आर यूजिंग वन ऑफ द इक्लिप्स डेल्टा और नो जीबी नो की जॉन जो भी हो भाई, नो जॉन जो भी हो एमुलेटर्स टू प्ले द गेम चेंज योर एमुलेटर इमीडिएटली। इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन अ फ्लैश कार्ट बी अवेयर कंस्टेंटली फिक्सिंग द टाइम ड्रिफ्ट मे कॉज इश्यूज ड्यूरिंग प्ले ओके। जीबी एमुलेटर भी चेंज करना पड़ेगा, छोड़ो यार हम ध्यान नहीं देंगे। इन द वर्ल्ड विच यू आर अबाउट टू एंटर यू विल एम्बार्क ऑन अ ग्रैंड एडवेंचर विद यू हैज द हीरो, मतलब मैं हीरो के जैसा ओके। द वर्ल्ड इज़ अ बिग प्लेस टेक योर टाइम एक्सप्लोरिंग देर इज़ नो रश ओके भाई ओके भाई, गेम तो स्टार्ट करो। स्पीक टू पीपल एंड चेक थिंग्स वेर एवर यू गो बी इन इट टाउन्स रोड्स और केव्स
द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल आर अलाइव एज यू ग्रो दे विल ग्रो अलॉन्ग विथ यू। हाँ भाई ये सब तो भाई नॉर्मल बात है यार। सो कीप दिस इन माइंड, योर एक्शंस कैन अफेक्ट एंड चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू, नॉट एवरी डिसीजन यू कैन मेक विल रिजल्ट इन द सेम आउटकम। हाँ भाई सही है सही है। जो मैं मतलब अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो इसके हाईली चांसेस है कि वो भी मेरे साथ बुरा ही करेगा। तो इज्जत से रहो भाई सबके साथ, अपनी मतलब अगल बगल वाले जैसा आप करोगे वैसा वो भी करेंगे आपके साथ। तो ये बात सही है। विद डैट इन माइंड यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू एंटर द बोरिस रीजन, बट फर्स्ट क्या भाई, ओके चूज़ योर कैरेक्टर। कैरेक्टर तो वैसे यहाँ पे एक ही है, वो लड़की भी है भाई, लड़का लड़की। तो आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ भाई, आप सभी को पता ही होगा। हेयर कलर क्या चाहिए, ये येलो वाला, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये सही है टाइम पे, ये रेड वाला नहीं सही, ये ग्रीन वाला भी नहीं, ये पर्प नहीं भाई, ये भी नहीं। मेरे को ना वो येलो वाला ही चाहिए भाई, रहने दो, ये वाला मेरे को बेटर लग रहा है, बट ठीक है ये वाला भी एक टाइम पे सही, ये वाला ही रहने देता हूँ भाई। आउटफुट कलर, आउटफुट ये ब्लैक वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके देखते हैं, येलो वाला भी, येलो वाला इतना पसंद नहीं मेरे को, रेड वाला भी नहीं, ये ब्लैक वाला ही सही है भाई, ब्लैक वाला ही सही है मेरे लिए। ओके ये मेरा लुक ही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज़ योर नेम भाई, नाम नाम मेरे पास नहीं, मेरे पास नाम ही नहीं है वैसे, मेरा नाम है पी जी एच मेरे को बोल सकते हो, जब तक मैं Q&A ना करूँ। Q&A करने वाला बस थोड़ी दिन और भाई, वेट करो थोड़ा सा और, वहाँ भाई Q&A होने वाला है। क्वेश्चंस अपने अपने रेडी रख लो भाई, अपने अपने सभी लोग क्वेश्चंस ना रेडी रखो, बस Q&A अभी बस होने वाला है, टेंशन ना लो। चूज़ योर प्रीफर्ड गेम डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी चूज़ करने का ऑप्शन है भाई, वाह। दिस सेटिंग इम्पैक्ट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ पोकेमॉन बैटल्स, ओके अ हायर डिफ़िकल्टी मीन्स स्मार्टर ट्रेनर एंड स्मार्ट वाइल्ड पोकेमॉन। स्मार्टर वाइल्ड पोकेमॉन भाई, ये क्या है, वेनिला डिफ़िकल्ट एक्सपर्ट इंस्टेन। मेरे को लगता ना ये होगा ईजी, ये होगा हार्ड, ये होगा वेरी हार्ड, ये होगा वेरी 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 हार्ड, मतलब ये लेवल से आसान, थोड़ा मुश्किल और थोड़ा मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो मैं क्या चुनूँ भाई, सबसे आसान तो नहीं चुनूँगा, सबसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं चुन सकते भाई। मैं सोच रहा हूँ ना बीच में ना, डिफ़िकल्ट कुछ चूज़ करते हैं, मैं डिफ़िकल्ट चूज़ करता हूँ। द गेम्स डिफ़िकल्टी हैज़ बीन सेट टू डिफ़िकल्ट, हाँ भाई। दिस मे बी चेंज टू एन ईजियर सेटिंग एट एनी पॉइंट यूजिंग द ऑप्शन मेन्यू, मतलब हम लोग इसको भी भाई ऑप्शन मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। हार्डर डिफ़िकल्टीज मे नेवर बी चूजन अनटिल द गेम इज़ कम्प्लीटेड, ओके। हाउएवर वेनिला एंड डिफ़िकल्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल, ओके। हुड यू लाइक टू प्ले द डार्कर वर्जन ऑफ द स्टोरी, डार्कर वर्जन मतलब स्टोरी को और भी डार्क बनाने वाला, तो मैं खेलना चाहूँगा। दिस वर्जन इज़ मच ग्रेटर दैन द नॉर्मल वर्जन, तो भाई खेलते हैं ना, जब नॉर्मल वाले से अच्छा है तो खेलेंगे। बट यहाँ पे वार्निंग भी है भाई, क्या वार्निंग भाई, इफ़ वायलेंस एंड एज आर नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू प्ले विद द लाइटर वर्जन ऑफ द स्टोरी। देख भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायलेंस ये सब होगा तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्ले विद द डार्कर वर्जन स्टोरी, हाँ भाई मेरे को वही खेलना है। दिस ऑप्शन मे नॉट बी चेंज ड्यूरिंग गेम प्ले, अच्छा ये चेंज नहीं हो सकता परमानेंट गेम के लिए, तो ठीक है मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रेजेंट डे भाई, आज का दिन, ओके मैं सो रहा हूँ, वाह भाई वाह, सोते सोते शुरुआत करेंगे। एक मिनट, हुप्पा यहाँ पे क्या कर रहा है, हुप्पा क्या कर रहा है भाई, अरे मेरे घर में तूने कब्जा कर लिया क्या, क्या कर रहा है भाई, कूद क्यों रहा है, छत गिराएगा क्या, ये कहाँ लेके जा रहा है भाई तू, पोर्टल में भाई फेंक दिया मेरे को इसने, ये तो फेंक दिया भाई इसने मेरे को, अरे साइंटिस्ट वॉट, क्या भाई क्या, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं अपने आप यहाँ हुप्पा में वो लेके आया, 2-in-1 डे, क्या भाई, क्विक साइंटिस्ट व्हाट आर यू स्टैंडिंग अराउंड फॉर, ग्रैब हिम भाई, मत मेरे को मत पकड़ भाई, मत पकड़, नाउ नॉक हिम आउट, अनलॉक हिम अप इन द वेयर हाउस, भाई मेरे को बंद ना करो तो ही अच्छा है, मैं तुम लोग को भाई बता रहा हूँ, मेरे पास पोकेमॉन भी नहीं है भाई, भाई बच्चे के साथ इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो यार, बख्श दो बच्चे की जान लोगी क्या। जेप इज़ गोइंग टू फ्रीक आउट व्हेन ही हियर्स अबाउट दिस, जेप कौन है भाई, ये भाई तुम लोग ने मेरे को कहाँ बंद कर दिया, ए हुप्पा क्या कर रहा है यार तू, ए भाई तू मेरे को परेशान मत कर यार, तू भाग इधर से, भाग भाग, तूने मेरे को फंसा दिया यार, ये क्या कर रहा है भाई, ही अनकॉन्शियस हुप्पा भाई, मैं कुछ भाई मेरे को बख्श दो यार, मेरे को जाने दो, ए हुप्पा भाई तू क्यों फंसा रहा है मेरे को, स्टॉप व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट ट्रैवलिंग थ्रू माय क्यूब स्पेस, जस्ट बिकॉज यू कांट ट्रैवल थ्रू योर रिंग्स एनी मोर, दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू यूज माय क्यूब विदाउट परमिशन भाई, एंड वेयर यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस टू हियर, भाई हुप्पा ही जिम्मेदार है भाई, उसने मेरे को यहाँ पे बुलाया, मैं मानता हूँ इस बात को, आई डोंट नो व्हाट यू वांटेड विद देम बट यू हैव बीन अ नॉइसेंस एवर साइंस आई फाउंड यू ऑन डेड बीच 16 ईयर्स अगो, तो
तो भाई ये वही बंदा है जो कि हम लोग को भाई स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि आरसीएस से मदद मांग रहा था, और आरसीएस ने मतलब ये पोकेमोन आ गया था उसके सामने जिसमें से हुप्पा निकला था। तो वही बंदा है भाई, ये वही बंदा है। और ये इस टाइम पे भाई बहुत डरावना लग रहा है भाई, आँख लाल लाल और हाथ लाल लाल और काला कपड़ा, तो डरावना लग रहा है भाई, लगता है विलेन बन चुका है। आई मे नॉट बी योर ट्रू गार्डियन बट आई एम योर ट्रेनर नाउ। भाई तू इसका ट्रेनर है, खतरनाक पोकेमोन का ट्रेनर है, एंड यू विल बी ओबे मी। हाँ भाई तेरी बात सुन सकता है वो, लगता तो है। दिस टू वॉन्ट रेस्क्यू यू फ्रॉम मी। भाई तू विलन बन चुका है यार, कब से भाई तू विलन कब से बन गया यार? अब यहाँ पे क्या सीन है भाई? मेरे को लगता है इन लोग से पंगा लेना पड़ेगा अभी। आई डोंट नो क्या है भाई यहाँ पे, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को नहीं पता। ओके यहाँ पे एक पोखे वाले, एक पोषण मिला मेरे को। ठीक है पोषण का क्या यूज़ है आप सभी को पता ही है। पोषण भाई इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं, बट ठीक है स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है। ये क्या भैया? ओके दरवाज़ा बंद है भाई। ये इसके लिए तो हम लोग को एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ये मेरे को पता है भाई, ऐसे मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, इसके लिए मेरे को पता है। ओके यहाँ पे भी बंद है क्या, रास्ता बंद है क्या? ओके यहाँ पे एक बंदा है। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग किड? आई एम अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू कीप यू लॉक्ड अप। भाई तू मेरे को यहाँ पे बंद रखेगा यार? भाई चल ना, मैं देखो कुछ पैसे वैसे दे दे, तो वैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं क्या, देखने दो भाई। पैसे पैसे होंगे ना, थोड़े बहुत तो होंगे भाई, इसको रिश्वत खिला के भाग जाते हैं। ओके कितने पैसे भाई? 3000 भाई, 3000 में तो भाई कोई भी नहीं मानने वाला यार, छोटे से छोटा आदमी भी नहीं मानेगा यार। क्या यार इतने कम पैसे में मेरा क्या होगा भाई, मैं कपड़े भी नहीं खरीद पाऊँगा अच्छे वाले। चलो यार जाने दो भाई। यहाँ पे ऊपर क्या सीन है, भाई? ओके यहाँ पे एक पोकेबॉल है, पहले यहाँ पे एक बंदा भी है, पहले मैं पोकेबॉल लूँगा भाई। बंदे लोग तो यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं, पोकेबॉल बार बार नहीं मिलता ना। ये रहा भाई एक पोषण, वापिस से पोषण भाई, पोषण ही पोषण क्यों मिल रहा है यार यहाँ पे? ओके यहाँ पे बंदे, और यहाँ पे उस लाल कलर के बंदे से बात करते हैं, देखते कौन है भाई ये, कौन है भाई तू? ए भाई कौन है तू? ही इज अनकॉन्शियस, व्हाट्स दिस? देयर इज समथिंग रिटन ऑन हिज शर्ट। क्या लिखा भाई? इट इज इसका नाम। ओके मेरा राइवल है ये। ओहो मेरा राइवल, इसका नाम मैं क्या लिखूँ भाई? मेरे राइवल का नाम मैं क्या लिखूँ? आई डोंट नो मैं क्या लिखूँ इसका राइवल, मतलब इसका नाम क्या डालूँ यार? वैसे राइवल के लिए कौन ज़्यादा परफेक्ट रहेगा? राइवल क्या लिखूँ भाई? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अलैन लिख देता हूँ। ठीक है अलैन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई। अलैन IN कहाँ गया भैया? N ओके अलैन रख देते भाई इसका नाम। अलैन को आप सभी लोग जानते हो कि भाई कालोस का अपना चैम्पियन अलैन, हाँ लीग का चैम्पियन है। ओके ओ भाई इसका नाम अलैन ही है, मेरे को देखो अलैन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं इसका नाम अलैन रखा है। और आप लोगों को कैसे लगा भाई इसका नाम, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर एम आई? भाई यहाँ पे तू और मैं फंस चुके हैं दोनों भी। व्हाट्स गोइंग ऑन भाई? ओ वेट यू आर डेड किड फ्रॉम डाउन द रोड। देख भाई तेरी पचर पचर मेरे को नहीं सुननी, एक बता तेरे पास कुछ रास्ता है क्या यहाँ से बाहर निकलने का? तू और मैं दोनों भी यहाँ पे फंस चुके हैं, तो चल कुछ रास्ता ढूंढते भाई, खुदाई उदाई करके निकल जाते भाई, ज़मीन फाड़ के निकलेंगे टेंशन वाले। PGH राइट? डू यू नो वॉट वी आर डूइंग हियर? भाई मेरे को तो यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया, तेरा मेरे को पता नहीं। वॉट यू डोंट नो? देख भाई मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग यहाँ पे लेके आए, मेरे को कुछ पता नहीं है, और मेरे से तो पूछ मत, वरना तेरे को मैं दो चार भाई दे दूंगा यहाँ वहाँ, तो तू फिर रोने बैठ जाएगा। सो यू मस्ट बी इन द सेम सिचुएशन एज आई एम, हैव यू सीन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जिस्ट अराउंड? देर इज़ वन बट इट्स ब्लॉक्ड बाई माई इंटरेस्ट इन ब्लैक, टेक मी देयर। चल भाई देखो लेके चलता हूँ, आई एम गोइंग टू ट्राई टू ब्रेक थ्रू। चल भाई देखो लेके चलता हूँ, आ जा मेरे पास, तो आ जा। वो जो काले कपड़े वाला है ना भाई, वो नीचे हम लोग का रास्ता रोक रहा है, और वो हम लोग को जाने नहीं दे रहा, बोल रहा भाई उसका काम है। ये देखो ये रहा, अब ये इसको इससे पंगा लेगा। हे हाउ डू यू थिंक यू आर? डू यू थिंक यू कैन गेट अवे विद कीपिंग अस लॉक्ड अप इन देयर इन हियर? यू डिड बेटर लेट अस थ्रू राइट नाउ और यू आर गोइंग टू सफर। बैक ऑफ किड, आई एम अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू कीप यू लॉक्ड अप। ओके इसने पोकेमोन फेंक दिया। सो स्क्रैम अनलेस यू वॉन्ट टू सफर। ये भाई तू पीछे क्यों आ गया यार? भाई तू बैटल करने वाला था भाई, मेरे को मत फंसा देना यार। ऐसे लोग की मैं बहुत गुस्सा आता भाई, जाते हीरो बनने और फिर पीछे हट जाते और हम लोग को फंसा देते भाई। अरे यार ये क्या कर रहा है यार? स्मार्ट चॉइस, कीप फार अवे फ्रॉम दिस डोर एंड यू वॉन्ट रिग्रेट इट। भाई तू डर गया यार, बैटल करने आया डर गया? क्या फट्टू चंदे भाई तू,
भाई ये इसके साथ रहना ना खतरों से खाली नहीं है ये भाई ना, मेरे को ही फंसा देगा भाई, मेरे को ही भाई चप्पल जूता सब पड़वाएगा, इसके साथ मेरे को नहीं रहना भाई, बक्स दो मेरे को, बक्स दे भाई, तू मेरे साथ मत घूम। इट डजेंट लुक लाइक ही इज गोइंग टू मूव PGH। भाई वहाँ पे तू बहुत हीरो बन रहा था, बोल रहा था मेरे को उसके पास लेके चल, अभी लेके आया तो भाई तेरे दम ही नहीं है क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं। वी डिड बेटर लुक फॉर अनदर वे आउट ऑफ हियर। हाँ अब चोरी छिपे ही भागना पड़ेगा भाई, कहाँ पे रास्ता है भाई, यहाँ पे एक ये रास्ता है। हाँ भाई इसको एक चाबी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे है क्या, नहीं ये भी नहीं है भाई, अब मैं क्या करूँ। एक मिनट डिड यू हियर डैट PGH। हाँ मेरे को भी कुछ आवाज़ आई, जैसे मतलब कुछ तो आवाज़ आया है। इट साउंडेड लाइक सम पोकेमोन आर ट्रैप्ड इन दैट केज ओवर देयर, लेट्स गो चेक इट आउट। चल भाई देखते हैं यहाँ पे कौन फंसे हुए हैं। द लॉक अपीयर्स फ्रैगिन ब्रेक इट, तोड़ दे भाई, मुक्का मार के तोड़ देते हैं। ओ ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया। और यहाँ पे ओ गिबल, एक गिबल निकला, और एक कौन है भाई, ओ बेल्डम भी है, और एक ये अपना वो क्या बोलते हैं टायरेंडिटार का छोटा वाला रूप, क्या नाम है भाई इसका, लार्विटार, लार्विटार। इट लुक्स लाइक दिस पोकेमोन आर ग्रेटफुल एंड वॉन्ट टू जॉइन अस, इफ वी ईच टेक वन एंड पुट देम इन दिस पोकेबॉल्स आई पिक्ड अप वी कैन यूज देम टू अटैक द गार्ड एंड एस्केप, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड चूज वन। भाई मैं किसको चुनूं यार, देखो बेल्डम अच्छा पोकेमोन है, लार्विटार भी अच्छा पोकेमोन है, और गार्चॉम भी सही है, मतलब अपना गिबल भी सही है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे मैं चुन लूँ गिबल को, क्योंकि भाई गिबल काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद है, वैसे मेरे को बेल्डम भी ज़्यादा पसंद है, लार्विटार मेरे को इतना पसंद नहीं, टायरेनिटार भाई मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे को बेल्डम और गिबल ज़्यादा पसंद है। अभी मैं क्या चुनूँ भाई, बेल्डम को चुनूँ या फिर गिबल को चुनूँ, किसको चुनूँ भाई। वैसे मैं चुनना चाहूँगा भाई गिबल को, क्योंकि गिबल मेरे को, देखो बेल्डम ना ज़्यादा पसंद है, बट मैं गिबल को चुनना चाहूँगा क्योंकि गिबल भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं गिबल को चुनता हूँ। विल यू टेक द ड्रैगन पोकेमोन गिबल, हाँ भाई गिबल को चुनना है मेरे को। द गिबल जॉइन PGH पार्टी, इट हैज़ अ डोकाइल नेचर। निक नेम मेरे को क्या दूँ, निक नेम नहीं, निक नेम कुछ नहीं देना भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई विल टेक दिस वन देन, तो भाई बेल्डम बचा है उसको भी मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है आ जा भैया बेल्डम मेरे पास आ जा। अरे ये क्या तू किधर जा रहे भाई। डिसहार्टेड द बेल्डम लेफ्ट, भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ यार, उसको किसी ने चूज ही नहीं किया यार, ये बहुत बुरा हुआ, मैं दोनों को चूज़ करना चाहता था बट वो चले गया। नाउ डैट वी हैव आवर ओन पोकेमोन, लेट्स हेड बैक टू द एग्जिट, वी विल फोर्स आवर वी आउट ऑफ हियर। ओके भाई लोग, तभी मेरे को मिल चुका अपना एक स्टार्टर पोकेमोन, जो कि है गिबल। गिबल को तो सभी लोग जानते होंगे भाई, गिबल लेवल 10 का मिला भाई, वाह भाई वाह। वैसे मैंने जब भी स्टार्टर पोकेमोन लिया ना, मेरे को लिटरली लेवल 5 का मिलता, बट इस बार लेवल 10 का मिला, ये काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी बढ़िया बात है। और अभी मेरे को जाना है उस गार्ड के पास, जो कि हमारा रास्ता रोक रहा है, बट अभी का जो अपना एपिसोड है भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके लिए आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, और उस गार्ड से पंगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लेंगे और उसकी धुलाई करेंगे। देखो मेरे पास मेरा एक टीम पार्टनर भी है, ये मेरे साथ भाई है और ये मेरी मदद भी करेगा। वैसे तो काफ़ी हीरो बन रहा था, बट अभी पोकेमोन मेरे को भी मिल गए, तो अब मैं भी हीरो बनूंगा, और हीरो मैं पक्का वाला हीरो बनूंगा भाई, नकली वाला नहीं इसके जैसा। पहले चलो फिर उसने पोकेबॉल, जैसे उसने पोकेमोन को बाहर निकाला, इसकी भाई फटके चार हो गई और ये भाई वहाँ से पीछे हट गया। अच्छा हुआ भाई उसने कुछ मतलब पंगा नहीं लिया, वरना वो मेरी धुलाई कर देता, इसको तो छोड़ ही दो भाई। ओके भाई लोग, आप सभी को एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आई होप सो कि सभी को पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ डाउनलोडिंग वीडियोस के लिए भाई मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके ऊपर भाई इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो आने वाली, तो बी श्योर टू चेक आउट माई सेकेंड चैनल। सो बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।